कम करो, कम करो, डीजल की कीमत कम करो, कम करो। हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय बीजेपी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी, हाय हाय केंद्र सरकार, हाय हाय केंद्र सरकार, हाय हाय केंद्र सरकार, हाय 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 केंद्र सरकार, हाय हाय पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, रसोई गैस की कीमतें कम करो, कम करो। आज पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस जो है वो जो महंगाई के मुद्दे पर पूरे देश के अंदर जो है वो आंदोलन चला रही है और आज पूरा जम्मू जो है जम्मू बंद पड़ा हुआ है। तो साथियों जब से बीजेपी सरकार आई है तो जब से जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्यूटी बनी हुई है, जब से जम्मू कश्मीर के लोगों का जो जीना है वो बिल्कुल आराम हो गया है। तो तरह तरह के फरमान जो दिन रात जो तरह तरह के फरमान आ रहे हैं, आज देख रहे हैं आज रसोई गैस की कीमत कितनी है, 1050 रुपया आज का रेट है, और जो पेट्रोल की डीजल की कीमत कितनी है, पेट्रोल का रेट है 104 रुपये आज का डेट है। साथियों जो गवर्नमेंट जो है जो गरीबों को नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है, ये लोग कहते थे कि हम जब हमारी सरकारें बनेंगी केंद्र की सरकार बनेगी तो हम अच्छे दिन लाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश के अंदर। आज देश के अंदर अच्छे दिन नहीं है, आज देश के अंदर लोगों ने आज बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। 7.5 साल की बीजेपी की सरकार चल रही है देश के अंदर और बुरे दिन जो है वो आजकल आज सभी देशवासियों को, गरीब लोगों को, मजदूर, किसान, जमींदार, छोटा दुकानदार, सबको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो आज बताएंगे आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज प्रदर्शन है असी तेल और डीजल का जरा पेट्रोल डीजल का रेट जरा बढ़िया है वो खिलाफ कराने, रसोई गैस का जरा बढ़िया है 8 दिन च 7 बारी यह रेट बढ़ी है, 6 रुपये लगभग 6 रुपये को ऊपर रेट बढ़ी है। इलेक्शन है तो रेट स्टेबल रहा, इलेक्शन रेट स्टेट है रेट स्टेबल रहा, लेकिन जी जिंक इलेक्शन का रिजल्ट आया उदा गए इनका रेट बढ़ा गया। ये लोगों के खिलाफ नहीं है ना, जी भी बीजेपी सरकार है लोगों के हक च कभी नहीं है, ये जोर जब जबरदस्ती लुभाव ने वादे दी है जीती तो जल्दी है, जितना का मतलब है एक जुती ले लो 45% इन्हें वोट लेना तो तुम ला लो खिलाफ किन्ने लोग, लेकिन फिर भी मैं गल करना साढ़े लोगों आम लोगों सुविधा नहीं दिया ने सू लोग परेशान करा दे, औरतें ही परेशान करा दे, किसान ही परेशान करा दे, मजदूरें ही परेशान करा दे, इतों तक के रेट तो बधे ना, नरेगा तक की ध्याड़ी अज तक लोगों मुहैया नहीं हो रही है, ध्याड़ी बराबर लगती लोगों लेकिन पैसा इन्हें को हमेशा लोगों के खिलाफ न, लोगों के खिलाफ ही नीतियां बनाते हैं। मैं चाहना कि सरकार है जी सारे लोग समझ, 4-5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बन गई है, यूपी में बीजेपी की, बाकी और राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। तो सरकार बनने के बाद इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, रोज़ के 80 पैसे बढ़ा देते हैं पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत बढ़ा दी है इन्होंने इतनी जो रसोई गैस की कीमतें हैं। तो इसलिए हम जिधर कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है इधर धरना दे रही है, इसलिए कि जो इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है बीजेपी वालों ने, इन्होंने इस महंगाई को वापस लेना चाहिए। एक तरफ फ्री राशन दे रहे हैं गरीब जनता को तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान पर ले रहे हैं। क्या जो रसोई की गैस की कीमत इन्होंने बढ़ाई है तो फ्री राशन गरीबों को दे रहे हैं तो क्या राशन उन्होंने कच्चा खाना है, कैसे उसको पकाना है, राशन कैसे पकता हो, चूल्हे से पकता है, लकड़ी भी इतनी महंगी कर दी है और रसोई की गैस भी इतनी महंगी कर दी है। तो हम इसलिए जान धरना दे रहे हैं कि सरकार ने कम से कम गरीबों के हित की बात करनी चाहिए। कीमतें और आप आटा चावल दाल गैस हर चीज़ पे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और उसी पे आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और जन जन की आवाज़ लोगों की आवाज़ जो उठा रही है। क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो यूटी का जो दर्जा दिया उसके बाद कितने हालात बदले हैं, कैसे है? नहीं, यूटी के दर्जे से कोई हालात कहाँ बदले हैं, हमें बताओ हमारी जो बच्चों की नौकरियाँ थी, जो हमारे लोगों के हक थे, वो भी हक छीने गए हैं। एक तो वैसे ही रोजगार नहीं है हमारी रियासत में, जहाँ हमारे क्षेत्र की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, तो हमारे क्षेत्र में वैसे ही रोजगार नहीं, कोई इंडस्ट्री का कोई जहाँ बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं है, कोई खेतीबाड़ी की ज़्यादा यहाँ पे रोजगार नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है, और ऊपर से जो लोग अपनी सरकारी नौकरियाँ ढूंढते थे उनमें कहीं अपना फ्यूचर देखते थे बच्चे,
मुझे लगता है वो भी छिन गई है। 370 पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। आज कन्याकुमारी का आदमी भी यहाँ पे फार्म भर सकता है और हमारे बच्चों का हक ले रहे हैं। मैं समझता हूँ यूटी से इससे भी आप 370 टूटने से जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान। जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो डीजल पेट्रोल कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, लोगों के घरों पे जो हमला किया गया है उसके विरोध में आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना यहाँ पे दिया जा रहा है। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि आज गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, उसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, कोई काम करने के साधन नहीं है। इस निठल्ली सरकार ने पिछले 7 साल से लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जीडीपी की दर कहां पहुंच चुकी है, इस रियासत को आगे ही जूटी कन्वर्ट करके बहुत बड़ा नुकसान दिया। ऊपर से महंगाई की मार है, आए दिन नए नए आदेश, नए नए नादरशाही कानून जो यहां पे यूपी सरकार निकाल रही है। और विशेषकर आज का जो धरना है ये डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर और रसोई गैस की कीमतों को लेकर जन भावनाओं को आदर करते हुए आज त्राही त्राही मची हुई है। लोग रोजगार के लिए जाएं या इनकी डीजल पेट्रोल जो आसमान छू रहा है और कोई सरकार सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं। क्या देखते हैं कि लगातार कीमतों में उछाल हो रहा है, इसके साथ साथ बात करें तो आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आज रात से जो नई दरें लागू कर दी गई हैं उसमें 10% इंक्रीज जो है वो सभी वाहनों को किया जाएगा जो टोल टैक्स के दायरे में आते हैं। देखो ये ऑर्गेनाइज लूट जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये टोल टैक्स के माध्यम से जो भू माफिया, जो टोल माफिया, जो लैंड माफिया, जो माइनिंग माफिया और जो अब रात के जो उन्होंने 10% जो रेट बढ़ाए हुए हैं बिना किसी पूछ के, जो यूपी में और जो बाकी स्टेटों में जो कहते हैं कि जो रोज नारे लगाते हैं हमने सरकारें बना ली हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च करके अंधाधुंध वहां पे इन लोगों ने लोगों को रियायतें देकर और उसको वसूली का ये ढंग बनाया हुआ है, जो तलवार ये लोगों के गले में रखी हुई है। और सारा जो किराया है जो पैसेंजर का जो टैक्स के आम पैसेंजर पे पड़ता है, मिडिल क्लास पे पड़ता है या लोअर मिडिल क्लास पे पड़ता है, आज आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। और टोल प्लाजा की जो 10 रुपये की कीमत जो 10% इन्होंने प्राइस बढ़ाई है, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष रहेगा। हम सरकार को चेताते हैं कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और जैसा कि ट्रांसपोर्टरों ने कल हड़ताल वापस ली है, अगर कोई मांगे इन्होंने अपनी रखी है उसे तुरंत माना जाए। और हम यही चाहते हैं कि आम जो आदमी का जीना जो है उसको ये मुहाल ना करे। आम आदमी को इस समय रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल पेट्रोल या गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो आम नागरिक पे, आम गृहिणी पे, आम घर पे, स्टूडेंट पे, विद्यार्थी पे, किसान पे, सब पे उस असर पड़ता है। ये गरीब को और मारने की साजिश है। पंकज जी चप्पे चप्पे पर माफिया है, कभी इनका लिकर माफिया, टोल माफिया इनके हैं, लैंड माफिया इनके हैं, माइनिंग माफिया है। आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के रोज जो रोज पुतला लेके फूंकते थे, जो रोज पुतला लेकर यहाँ भागते थे जब 10 पैसे या 20 पैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी। पिछले 7 साल से 50-60 रुपए की दर से यहाँ पेट्रोल की कीमतें यहाँ 400-500 रुपए सिलेंडर भरा पड़े, कहाँ सोए हुए हैं। दूसरे दिन यहाँ डीसी कार्यालय में या तहसील के कार्यालय या एसएसपी के साथ सिर्फ चाय पीने का या बैठने का उन्हीं का लोगों का है। लोगों के लिए बहुत नदारत है, छुपे हुए हैं वो और उनको हिस्सेदारी सबको मिलती है। जितने भी अफसरशाही है ये सब इस ऑर्गेनाइज लूट में शामिल है। यहाँ कौन सा माफिया, रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान के, रंग बिरंगे कानून आ रहे हैं। जो लीकर माफिया यहाँ हमारे युवाओं को आगे ही यहाँ नशे की यहाँ जो बॉर्डर जो पोरस खोले हुए हैं नशे की मार में इनको बिल्कुल से ये किस्म से मारना चाहते हैं। इस रियासत को इन्होंने पहले तोड़ के ड्यूटी में कन्वर्ट करके लूटा, अब इस रियासत में ये तमाम किस्म के माफिया, चाहे वो लैंड माफिया हो, माइनिंग माफिया, जो रेत का 500-600 की ट्राली मिलती थी आज 5,000 रुपये मिल रही है, वो जो शराब की जो लगातार इन्होंने खोली है, इसके खिलाफ हम सब लोग जो